Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So, welcome back in on channel. Myself Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So, in this particular video, we talk about kingdom plantae in details and in testing manner. So, I hope you really enjoy this session. So, if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box of my channel and about section of my channel. So, please go through about section of my channel and press the social media icon and join with us. So, I hope you really appreciate it with me. Let's start without wasting any time. Enjoy the video. Till end. Friends, welcome back on next video. Today's topic is gymnosperm. In previous video, we discussed about bryophytes, pteridophytes, but now today I discuss gymnosperm. Why it's called gymnosperm? Okay. After that, we discuss next video, that is angiosperm. After that, alternation of generation and life cycle of plant. So, test में क्या लिखा है? देख लेते हैं. So लेट स्टार्ट द जिम्नोस्पर्म. द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब होता है नेक्ड, स्पर्म मतलब होता है सीड. ठीक है, जो हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म, नाम से ही पता चल रहा है हमको. जिम्नो मतलब, जिम्नोस मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड. हमारे जिम्नोस्पर्म में जो होंगे वो नेक्ड सीड होंगे, मतलब वो किसी भी ओवरी की वॉल से कवर नहीं होंगे. ठीक है, हम आगे देखेंगे इसमें दिया है इन डिटेल्स में. जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड आर प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट कवर्डेड बाई एनी ओवेरी वॉल एट रिमेन एक्सपोज. मतलब जो हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं प्लांट के, वो हमारे किसी ओवेरी वॉल के से कवर नहीं होते हैं और वो हमारे एक्सपोज होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं, किसी कवरिंग नहीं होती इसमें, है ना. बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में उसमें कोई भी सीड में कवरिंग नहीं होती ओवेरी की. ठीक है, ओवेरी वॉल की कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए हम उसको नेक्ड सीड बोलते हैं. द सीड डेट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्डेड आर नेक्ड. मतलब जो हमारे सीड बनेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो हमारे कवर नहीं होंगे और वो नेक्ड होंगे. ठीक है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री और सरप. जो जिम्नोस्पर्म में होते हैं हमारे, वो मीडियम साइज ट्री, मतलब छोटे छोटे मीडियम साइज के भी ट्री होंगे, और जो हमारे होंगे लार्ज साइज के ट्री, लार्ज साइज के बहुत बड़े बड़े जेंट प्लांट, जैसे बोलते हैं सिकोया हमारा होता है, रेडवुड रेड ट्री होता है वो, सिकोया बहुत ही जेंट होता है, बहुत ही विशाल होता है. और सर्प मतलब होते हैं झाड़ियाँ, छोटे छोटे झाड़ियाँ हम जिम्नोस्पर्म में भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, वंस ऑफ जिम्नोस्पर्म डेट जेंट रेड ट्री सिकोया. जो हमारा विशाल पेड़ होता है, ठीक है, जेंट रेड ट्री होता है हमारा सिकोया. ठीक है, टालेस्ट ट्री स्पीसीज, ये हमारी टालेस्ट ट्री स्पीसीज की टालेस्ट ट्री है सिकोया, बहुत ही विशाल होते हैं. ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है रेड वुड ट्री, वो नाम से बोलते हैं, लाल लकड़ी होती है इसकी. ठीक है, द रूट आर रियली टेप, जनरली टेप रूट, सॉरी, जो इसकी जो जिम्नोस्पर्म में होता है, जो जिम्नोस्पर्म में होती है हमारी जो रूट होती है, जनरली टेप रूट होती है. द रूट आर जनरली टैप रूट, ज़्यादातर जो होती है हमारी जिम्नोस्पर्म में टैप रूट ही पाई जाएगी. ठीक है, रूट इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन. जो हमारे रूट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, उसमें कुछ फंगल एसोसिएशन हो जाते हैं, जिसको माइक्रोराइजा बोलते हैं, माइक्रोराइजा जो होता है हमारा, जब हमने देखा था जैसे हम एल्गी में पढ़े थे, जो हमारा फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन हो रहा था तो हमारा लाइकेन बन रहा था. बट हमने आपको वहाँ पर बताया था अगर फंजाई का एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट से होगा तो हमारा माइकोराइजा बनाएगा. ठीक है, माइकोराइजा बनाएगा. ठीक है, रूट ऑफ सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. जो हमारा पाइनस बनाता है, माइकोराइजा हमारा पाइनस, एक हमारा जिम्नोस्पर्म है तो माइकोराइजा बनाता है. वाइल सम अदर, जो हमारा साइकस भी हमारा जिम्नोस्पर्म है, तो साइकस में क्या होते हैं, सम अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट. साइकस की जो रूट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कोरेलॉयड रूट बोलते हैं. स्पेशलाइज रूट, कोरोडाइड रूट आर एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सेशिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इना बिना नॉस्टॉक होते हैं हमारे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो इसकी रूट होती है साइकस की, कोरोडाइड रूट होती है. ठीक है, ये हमारा इसमें बनाता है. ठीक है, पाइनस में हमारा माइक्रोजिया बनाता है, साइकस में हमारा कोरोडाइड रूट बनाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ में. ठीक है, द स्टेम आर ब्रांच. जो हमारा स्टेम जो होता है, हमारा ब्रांच स्टेम होता है, अनब्रांच स्टेम होता है. ब्रांच स्टेम मतलब जिसमें शाखाएं होंगी, अनब्रांच स्टेम जिसमें शाखाएं नहीं होंगी. ठीक है, द स्टेम आर ब्रांच, दो स्टेम आर अनब्रांच. जो अनब्रांच स्टेम होता है वो हमारा किसमें पाया जाता है,
अनब्रांच स्टेम जो होता है हमारा वो साइकस में पाया जाता है, और जो हमारा ब्रांच स्टेम होता है वो पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है, पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग से पूछ लेते हैं कि ब्रांच स्टेम किस में पाया जाएगा, साइकस की जगह सिड्रस दे देंगे, है ना। ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है, तुम इसको देख लेंगे अच्छे से। यानी हमारा अनब्रांच जो होता है हमारा साइकस में पाया जाता है, और जो हमारा होता है ब्रांच होता है वो पाइनस और सिड्रस में पाया जाता है, ठीक है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, मतलब जो हमारी जिम्नोस्पर्म की लीफ होती हैं वो सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में हम आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे, वहाँ पर सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है। तो फिलहाल हम आपको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जो सिंपल लीफ जो होती है हमारी, मान लो ये लीफ है, इसकी जो मिड लीफ है, अगर हमारी जो लीफ का लमाइना है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, ये लीफ बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया, इसको हम लमाइना बोलते हैं, ठीक है, लमाइना हो गया और इसको पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल हो गया और ये लीफ बेस हो गया, इसको हम ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसकी जो होती है, ये मिड रूप को हमारी, जिसकी जो लमाइना हमारा इंटायर टच ना करे, मतलब हमारा ऐसे सिंपल ऐसे रहे, तो इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। और हमारे अगर ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हुआ, फिर भी हमारा लमाइना उसको मिड रिप को टच नहीं कर रहा है, तो भी हम इसको सिंपल लीफ बोलेंगे। बट कंपाउंड लीफ क्या होती है हमारी, जो कंपाउंड लीफ होती है, कंपाउंड लीफ हमारी वो होती है जो हमारी मिड रिप को ऐसे टच कर दे और लीफलेट में डिवाइड्स हो जाए, है ना, इसको हम कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो होती हैं, इसकी लीफ जो होती हैं सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं। इन साइकस, साइकस में होती हैं कंपाउंड लीफ में, पिनेटली लीफ होती हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली से पता चल रहा है पाम, पाम का मतलब हथेली, ठीक है। तो मतलब पामेटली कंपाउंड लीफ मतलब ऐसे ऐसे टाइप की लीफ लगी होंगी, पाम के तरीके, मतलब हथेली के तरीके, ठीक है। और पिनेटली मतलब पिन के तरीके, ठीक है। इन साइकस, इन साइकस द पिनेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। जो पिनेट लीफ होती है साइकस में, बहुत सारी साल तक परसिस्ट होती है। पिनेट लीफ मतलब पिन के तरीके ऐसी लीफ होंगी साइकस में, ठीक है, पिनेट लीफ ऐसे पिन के तरीके, ठीक है। साइकस पिनेट परसिस्ट फ्यू ईयर्स। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड फॉर विद स्टैंड स्टीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। जो हमारी जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं वो वेल अडॉप्ट होती हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब हार्ड हैबिटेट पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ वहाँ पे भी सर्वाइव कर लेगी अपने आप को अच्छे से। और ह्यूमिडिटी, जहाँ पे आर्द्रता हुई, है ना, जहाँ पे हवा हुई, वहाँ पे सब अपने आप को सर्वाइव कर लेंगी। इन कोनीफर द नीडल लीफ, इन कोनीफर नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया। इन कोनीफर से जो होते हैं हमारे, जहाँ पे डिजर्ट होता है हमारा, वहाँ पे जो हमारे की लीफ होती हैं वो हमारी नीडल लाइक होती है। नीडल लाइक का मतलब उनका जो पॉइंटेड होंगी, पॉइंटेड होंगी, नॉर्मली लीफ तो ऐसे होगी, बट जो पॉइंटेड हो जाएगी तो उसको सरफेस एरिया जो होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा जो वाटर लॉस होगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जो हमारा वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, सॉरी वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन को, तो उसके थ्रू जो हमारा वाटर का लॉस होगा वो हमारा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा। जो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर को लॉस ही कम हो जाएगा। देयर क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। और हमारे कोनीफर्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर लीफ होती हैं, और जो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और उनका जो क्यूटिकल होती हैं उनमें थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है जो ट्रांसपायरेशन को हमारा रोकती है, ठीक है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। एंड संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होंगे उसमें लीफ में हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं जो ट्रांसपायरेशन कराते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। जो हमारे संकन स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, आल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, जो कि हमारे वाटर को लॉस को रोकते हैं, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म हेटरोस्पोरस। जो हमने आपको बताया था जो ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स था वो मोस्टली होमोस्पोरस थे, बट ट्रेडोफाइट्स में कुछ एक्सेप्शन थे जिसको हमने ट्रिक्स के थ्रू बताया था मास। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरा ट्रेडोफाइट्स का वीडियो देखिए, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म आर्म हेटरोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमारे हेटरोस्पोरस होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स होंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर। ये हमारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनाएंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनाएंगे, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर बनाएंगे। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोवाइडेड
सॉरी द टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, जो हमारे टू टाइप के स्पोर्स होंगे स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं, डेट डेट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफाइल्स, जो कि हमारे स्पोरोफाइल्स से बॉर्न होते हैं, विच आर अरेंज स्पायरली अलोंग एन एक्सिस, जो हमारे एक एक्सिस में स्पायरली अरेंज होते हैं, फॉर्म लैक्स लैक्स और कॉम्पैक्ट स्टोबलाई और कॉन्स। मैंने आपको बताया था स्टोबलाई, इक्विसिटम में बताया था स्टोबलाई कॉन्स और लैक्स, इसको तीनों को बोलते हैं, ठीक है। स्टोबलाई बियरिंग माइक्रो स्पोरोफाइल, जो हमारा स्टोबलाई होता है माइक्रो स्पोरोफाइल से बियर करता है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबलाई, जो हमारा मेल होता है वो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल्स फिल्स होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबलाई बोलते हैं, है ना। माइक्रो मतलब मैंने बताया था मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, ये मैंने आपको ट्रेडोफाइट्स में ही बताया, तो उसी से आप हम समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेल स्ट्रोबलाई को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटिक जनरेशन, जो हमारा मेल होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है हमारा, डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप हो जाता है, विच इज हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट्स, हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट्स कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होंगी, दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन गैन, है ना। जो रिड्यूस गैमेटोफाइट हो गया वो उसको पॉलन गैन क्या होता है हमारा, रिड्यूस गैमेटोफाइट होते हैं हमारी पॉलन गैन बोलते हैं, हम पॉलन गैन बोलते हैं, जो कि हमारा पॉलिनेशन में हेल्प होता है। इसमें द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन गैन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हमारा माइक्रो जो हमारे पॉलन गैन बनेंगे कहाँ पे बनेंगे, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है हमारा, ठीक है, उस पे हमारे पॉलन गैन बनते हैं। द कॉन्स बियर मेगा स्पोरोफिल, जो हमारी कॉन्स होंगी उसमें मेगा स्पोरोफिल होंगी, जो मेगा स्पोरोफिल होंगी तो वही फीमेल स्टोबलाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ठीक है। द कॉन्स बियर मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब बड़ी और फीमेल कॉन्स, ठीक है। जो हम बोलें माइक्रोस्पोरेंजिएट को बोले हम मेल स्टोबलाई और माइक्रोस्पोरेंजिएट को बोले हम फीमेल स्टोबलाई, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कॉन्स और स्टोबलाई में भी बॉर्न ऑन सेम ट्री, जो हमारी मेल और फीमेल स्टोबलाई और कॉन्स होंगी वो सेम ट्री पे हमारी बॉर्न हो सकती हैं, यानी पाई जा सकती हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेम ट्री पे जो होगी उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। तो हमारा पाइनस जो होता है हमारा वो मोनोसियस होता है, ठीक है। पाइनस जो होता है सेम ट्री बोला है तो हमारा वो हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ट्रेडोफाइट में मोनोसियस, ठीक है। डायोसियस क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यही होगा हमारा। तो इसमें मोनोसियस हो गया हमारा, पाइनस हो गया हमारा मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब एक ही में मेल और फीमेल, ठीक है। मोनो मतलब एक, सीएस मतलब हाउस, मतलब एक ही घर में मेल और फीमेल होंगे, मोनोसियस बोलेंगे उसको, ठीक है। हाउएवर इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। अब इसमें हमको बता दिया साइकस में हमारा बोल दिया मेल कॉन्स यानी हमारा माइक्रो स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स यानी फीमेल कॉन्स बॉर्न डिफरेंट ट्री, मतलब अलग अलग ट्री पे होंगे, तो हमारा जो साइकस होगा हमारा वो डायोसियस हो गया। साइकस हमारा जो हो गया वो डायोसियस हो गया हमारा, साइकस जो हमारा है वो डायोसियस है, डायोसियस, ठीक है। साइकस हमारा डायोसियस हो गया। मेगा हिपो मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द तो यहाँ पे द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब है हमारा जो मेगा स्पोर सेल हैं वो हमारी डिफरेंशिएट हो जाती हैं इन न्यूक्लियस में, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाई
एनवेलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारा ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल के चारों तरफ कवरिंग टाइप का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटेक्ट करेगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, जो हमारा ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल पे बॉर्न होता है, यानी मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल्स, हमारे फीमेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कॉन्स, जो कि हमारे क्लस्टर ऑफ फीमेल कॉन बना सकता है, है ना, क्लस्टर ऑफ फीमेल कॉन हो सकते हैं। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइडेड म्यूटिकली टू फॉर्म फोर मेगा स्पोर, ठीक है। तो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल होता है हमारी म्यूटिकली डिवाइड करती है, यानी डायरेक्शन डिवीजन से डिवाइड करेगी, यानी हमारी फोर चार मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी, ठीक है, चार मेगा स्पोर बनाएगी, फोर मेगा स्पोर बनाएगी हमारी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोर मेगा स्पोर। वंस ऑफ मेगा स्पोर इनक्लोज विद द मेगा स्पोरंजिया, जो कि हमारा एक मेगा स्पोर होगा वो हमारा मेगा स्पोरंजिया से इनक्लोज हो जाएगा। डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमारा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हो जाएगा। डेड बियर टू और मोर आर्किगोनिया, जो कि हमारा दो या दो से ज़्यादा आर्किगोनिया बियर करेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया हमारा होता है तो उसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। द मल्टी सेलुलर फीमेल, जब मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेंड विद इन द मेगा स्पोरंजिया, जो मल्टी सेलुलर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है यानी फीमेल गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड कंडीशन जो होती है हमारी वो हमारी मेगा स्पोरंजिया पे रिटेंड होता हो जाती है कुछ समय के लिए। सो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जो हमारा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स थे हमारे, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में हम देख रहे थे स्पोरोफिटिक फेस गैमेटोफिटिक फेस क्या थी, है ना, ब्रायोफाइट में हमारी गैमेटोफिटिक फेस डोमिनेंट थी, टेरिडोफाइट में हमारी स्पोरोफिटिक फेस डोमिनेंट थी, बट हमारे इन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्पोरोफिटिक फेस ही डोमिनेंट होती है हमारी, डिप्लॉइड कंडीशन ही होती है हमारी, ठीक है, इसका मतलब ये है। दे रिमेन विदिन द स्पोरंजिया रिटेन फॉर दे रिमेन विदिन द स्पोरंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट्स, ये हमारे स्पोरंजिया पे होते हैं और स्पोरोफाइट्स पे बने रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रो स्पोरंजियम, जो हमारी पोलन ग्रेन होती है वो हमारे माइक्रो स्पोरंजियम से रिलीज होती हैं। दे आर कैरीड इन एयर करेंट एंड कम कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स, ठीक है। ये हमारी जो होती हैं ये हमारे पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं माइक्रो स्पोरंजियम से, वो कैसे रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन हमारे रिलीज होंगे बाय एयर करंट के थ्रू, मतलब हम हवा से रिलीज हो जाएंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम मेगा स्पोरंजियम थ्रू द कैरीड आउट बाई एयर करेंट एंड कम कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल की होगी वहाँ से मेगा स्पोरोफिल से रिलीज हो जाएंगे। द पोलन ट्यूब कैरीड ऑन द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड्स आर्किगोनियम इन द ओव्यूल, जो हमारे पोलन ट्यूब होती है वो हमारे जो हमारा होता है पोलन ट्यूब से हमारे जो होते हैं मेल गैमेट कैरी होते हैं वो हमारे आर्किगोनिया की ओव्यूल की तरफ आते हैं और वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं आर्किगोनिया के माउथ पे अपना कंटेंट, ठीक है, ठीक है। जो अपना मेल गैमेट का कंटेंट होता है वो हमारा आर्किगोनिया के माउथ की तरफ वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड द आर्किगोनिया इन ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, यानी अपना जो मेल गैमेट का कंटेंट है वो आर्किगोनिया के माउथ पे डिस्चार्ज कर देगा। फिर उसके क्या होता है फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो, और हमारा जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एंड ओव्यूल जो हमारा जायगोट डेवलप होगा हमारा वो हमारा एम्ब्रियो में बनेगा और जो हमारा ओव्यूल होगा वो हमारा डेवलप होगा सीड पे, ठीक है। जो हमारा जायगोट होगा वो एम्ब्रियो में बन जाएगा और जो ओव्यूल होगा वो हमारा सीड में बन जाएगा, ठीक है। दीज सीड नॉट कवर्ड, जो हमारे सीड होते हैं किसी भी ओवरी की वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं,
ठीक है। तो हमको एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, साइकस दिया गया, पाइनस दिया गया, जिंको दिया गया है। तो हम देख लेते हैं साइकस क्या है हमारा। साइकस ये हमारा जो एग्जांपल है, ये हमारा ये साइकस का दिया गया है। साइकस, साइकस में पिनेटली लीप थी, पिनेटली पिन की तरीके लीप थी, ठीक है। साइकस का हो गया एग्जाम्पल, ये हमारा हो गया पाइनस का, ठीक है। जो पाइनस था हमारा मोनोसियस था, और साइकस जो था हमारा डायोसियस था, ठीक है। ये हमारा जिंकगो, जिंकगो जिंकगो को हम बोलते हैं लिविंग फोसाइल, ये हमारा होता है लिविंग फोसाइल होते हैं, लिविंग फोसाइल, लिविंग फोसल, लिविंग फोसल जो होता है हमारा, लिविंग फोसल, लिविंग फोसल का मतलब होता है जीवित जीवाश्म, ठीक है। जीवित जीवाश्म का मतलब जब से हमारा अर्थ में, मतलब हमारे जब से एवोल्यूशन हुआ उस चीज़ को, वो बनी और अभी तक, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी वो है, प्रेजेंट टाइम में भी पाई जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं लिविंग फोसल, ठीक है, जीवित जीवाश्म, ठीक है। जिंकगो को हम जीवित जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमारा जिम्नोस्पर्म ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी प्लांट की लाइफ साइकिल के बाद बात करेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट ये चैप्टर जो होगा इन प्लांट किंगडम अपना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम फर्दर एनिमल किंगडम के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में, फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है। और फिर आफ्टर दैट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। सो टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लाइक शेयर माय वीडियो विथ फ्रेंड्स। सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।